द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। कोरोना काल में जहां कई निजी अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं कि वो इसे आपदा में अवसर बनाते हुए बीमारी और बीमारों को कमाई का जरिया बना लिया है, वहीं एमपी के बैतूल का एक अस्पताल कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है। इस निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले कोरोना मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, दवा से लेकर इलाज तक फ्री किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की लगातार अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भयावह समय को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को ऐसा ही नजारा गुना हनुमान चौराहे पर दिखा, जहां एक मोटरसाइकिल पर 6-7 लोग बैठे हुए थे। इन्हें देखकर पुलिस भी इनके सामने नतमस्तक हो गई। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना हुई। घर के एक दरवाजे से शादी के बाद ननद की विदाई हो रही थी, तो उसी घर से दूसरे दरवाजे से उसकी भाभी की अर्थी उठ रही थी। ननद की शादी की तैयारियों में लगी भाभी बिजली के पोल की चपेट में आ गई और करंट लग गया। तड़पते हुए उसने वही दम तोड़ दिया। चंद मिनटों में ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जबलपुर में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। प्रेमी युगल कमर में चुनरी बांधकर ट्रैक पर खड़े हो गए। ट्रेन दोनों को काटते हुए निकल गई। दोनों सोमवार शाम को घर से निकले थे। युवती के घर वालों ने युवक के खिलाफ खेतौला थाने में FIR दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद दोनों की पहचान हुई। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बेड के लिए 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद निजी अस्पताल ले जाते समय मरीज ने बाइक पर ही दम तोड़ दिया। वकील सुरेश डागर की तबीयत खराब होने पर उन्हें उनके भाई अनिल और मां बाइक पर मेडिकल कॉलेज लेकर गए थे। ग्वालियर के आदर्श नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी की वर्कशॉप फैक्ट्री में आग लग गई। आग वहां भरी रबड़ और रॉ मटेरियल से कुछ ही मिनट में भयानक हो गई। आग बढ़ने पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कटनी में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मरते मरीजों के बीच जिले के 310 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना नहीं पहुंच पाया है, या फिर कहा जाए कि ग्रामीणों की समझदारी ने कोरोना को गांव में घुसने का मौका ही नहीं दिया। ग्रामीणों ने जनता कर्फ्यू से लेकर गांव के प्रवेश द्वार तक को बंद कर दिया है। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने का पालन भी सख्ती से कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि गांव में कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं है। दमोह जिले के पथरिया में लगातार डॉक्टरों के साथ हो रही अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। उसके 2 दिन बाद पथरिया कोविड केयर सेंटर में आज ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां नरसिंहगढ़ के एक व्यक्ति की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। जबलपुर के सिहोरा और खेतौला क्षेत्र में 2 घंटे के अंतराल पर मंगलवार को 2 भीषण एक्सीडेंट हुए। एक हादसा रोड किनारे खड़े ट्रक में कार टकराने से हुआ, वहीं दूसरे हादसे में डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। कार सवार महिला आरक्षक और डंपर सवार कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। रीवा जिले में लॉकडाउन के दौरान परोसी जाने वाली देशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यहां एक आरोपी के कब्जे से 70 पेटी शराब बरामद हुई है। वहीं अवैध तस्करी में लिप्त पिता पुत्र फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि पिता और 2 पुत्र मिलकर गांव-गांव में नशा पहुंचा रहे थे। होटल द ग्रैंड पैलेस
बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।